नमस्कार, मैं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। 12 अक्टूबर की रात जब देश दशहरा मना रहा था, तब मुंबई में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ राजनीति जगत में नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड में शोक की लहर ला दी और सभी को हिला करके रख दिया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनका देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं तमाम लोगों की हत्याकांड पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के सांसद पप्पू यादव ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खुली चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा संदेश पोस्ट करते हुए बिश्नोई गैंग का पूरा नेटवर्क खत्म करने की बात कह डाली। पप्पू यादव ने कहा, जेल में बैठा एक अपराधी खुलेआम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है और सरकार व पुलिस मुखदर तक बने हुए हैं। अगर मुझे कानून से अनुमति मिले तो मैं 24 घंटे में इस दो टके के अपराधी का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि बिश्नोई जैसे अपराधी जेल में बैठकर लोगों की जान लेने की योजना बना रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां मुखदर्शक बनी हुई है। उन्होंने अपने संदेश में करड़ी सेना के मुखिया और हाल ही में एक उद्योगपति की हत्या का भी उल्लेख किया जो बिश्नोई गैंग द्वारा की गई बताई जा रही है। उन्होंने कहा, यह देश है या की फौज है जहाँ एक अपराधी जेल में बैठकर लोगों की हत्या करवा रहा है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दूंगा। पप्पू यादव ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक अपराधी जेल में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक किसी अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। यादव का कहना था कि जब एक अपराधी जेल में बैठकर देश में आतंक मचा सकता है तो भारत कैसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से निपटेगा। वहीं पप्पू यादव ने इसके पहले एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में महाजंगल राज वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग की आपराधिक गतिविधियों ने देश की राजनीतिक और फिल्मी जगत में दशहत फैला दी है। 2022 में प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में तेजी से उभरा। उसके बाद करड़ी सेना के मुखिया और सलमान खान के घर फायरिंग मामले ने भी देश में खौफ पैदा कर दिया। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति जगत में एक बार फिर से सहम गए हैं। विजयादशमी के दिन पप्पू यादव को एक दुर्घटना में आंख में गंभीर चोट लग गई थी जब एक पटाखे का बारूद उनकी आंख में चला गया था। इस चोट के बावजूद पप्पू यादव का जोश कम होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। उनकी यह धमाकेदार प्रतिक्रिया लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी के रूप में लोग देख रहे हैं। वहीं इस हत्याकांड पर महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पप्पू यादव की इस चुनौती को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।